कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य ने बयान दिया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की ये कैंडिडेट ये मुतरमा मंदिरों में जा रही है, उन मंदिरों की फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी। ये बहुत डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किया है उनने, और चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है, और ऊपर से धार्मिक संस्थान से संबंधित इस तरह की टिप्पणी करने से और भी ज्यादा ये गंभीर विषय है। और पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट हैं, कभी कहते हैं कि वो हिमाचल में आई हैं, देवभूमि में आई हैं, पहले पवित्र होकर के जाए, ये शब्द बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से की जाए। और मेरा इस बात के लिए भी चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाए और जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग इस संदर्भ में क्या कार्रवाई कर सकते हैं इस प्रकार की बार बार लगातार टिप्पणियां करने पर, जिसमें व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि वो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भाग वायलेशन है। और ये साथ साथ में व्यक्तिगत टिप्पणी करने के साथ साथ में धार्मिक चीजों को भी, भावनाओं को भड़काने की दृष्टि से भी बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसमें भी जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और उसमें कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। सारी चीज जो हुई है ये महज ऐसे नहीं हुई है, करना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश आज की गई थी, और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश रची गई थी, और जिसकी भनक हमको काफी दिन पहले से लग रही थी कि कुछ ऐसा करने वाले हैं ये लोग, और बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचा करके वहां से निकले हैं। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक हमने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना को हमने होते नहीं देखा है जो आज वहां पर लाहौल में किया गया, काजा में हुआ है। उसके बाद हमारे साथी वहां पर FIR लॉज करने के लिए गए हुए, FIR अभी तक भी लॉज नहीं की गई है। और इसके अलावा वहां इस घटना के पश्चात हमने सारी वीडियो फुटेज भी, हमने सारी डिटेल लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे CEO है शिमला, उनको भेज दिए हैं। और हमारी मांग है उसमें कि सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे जिन्होंने पैरेलल परमिशन दी है वहां पर, और दूसरी बात जो SP वहां पर हैं जिन्होंने इंश्योर किया था, जिनसे मेरे फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था ये मेरा जिम्मा है, उनके भरोसे हम रहे, और उसके बावजूद भी वहां पर सारा घटनाक्रम घटित हुआ। 4 या 5 सारे पुलिस के वहां पर कर्मचारी आगे पीछे थे और उनके बस में उतने लोगों को रोकना संभव था ही, उनकी कमिटमेंट के बावजूद भी घटना होती है, यानी कि पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के कमिटमेंट के बावजूद भी कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी घटना होती है, उनकी भी जवाबदेही इस बात को लेकर के होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन के लिए हमेशा यह होता है समय या तो निर्धारित होता है, और वही समय उनको भी दिया गया नहीं दिया गया मुझे मालूम, लेकिन उनको उस सारी चीज को उस वक्त जो है आगे बढ़ने की अनुमति कहां से मिली, और जिसके कारण हमारे उनने सारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना कि कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा इस तरह से समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां ये बहुत ज्यादा करने की जो है वो बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है आज के परिप्रेक्ष्य में खासतौर से। और व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए है तो फिर कोई ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है, हमने अभी तक सब्र रखा है, संयम रखा है, किसी के भी खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूं, मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूं, इनके सबके राज मेरे यहां पर दफन है अभी तक, अगर हम उनको खोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चल इस बात को मैं कह रहा हूं।
सब सब के सब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन हमने शपथ ली होती है इसलिए हम उन सारी चीजों का राजनीतिक दृष्टि से उसका इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करते, कभी नहीं किया, और अब 5 साल तक हमने कभी नहीं किया, पर आज भी हम सही में रखते हैं, सब्र रखते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। अगर आखिरकार बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ विषयों पर विचार करना पड़ेगा।